हरिशंकर जी, ये क्या एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, और क्या इसके बाद अब आगे हिंदू पक्ष ये भी विश्वास रखता है कि जहां पर वो मंदिर मानता आ रहा है, जहां पर इस वक्त मस्जिद है, वहां वो स्थान भी मिल जाएगा हिंदू पक्ष को? हरिशंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिल गई है तहखाने में, अब आगे क्या? हेलो, आप लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? जी जी, देखिए, ज्ञानवापी में जो पूजा इजाजत मिली है, वो अधिकार मिला है जो अधिकार हमारा था 1993 तक। हम वहाँ लगातार पूजा करते रहे, तहखाने में ब्याजी पूजा करते रहे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने फेंसिंग लगाकर उस अधिकार को छीन लिया, पूजा बाधित हो गई थी। तो आज हमको वो अधिकार मिला है जो अधिकार हमारा बाधित कर दिया गया था, सदियों का अधिकार था। वहाँ कभी पूजा रुकी नहीं थी, परंतु 93 में गवर्नमेंट ने जानबूझकर हिंदुओं के साथ अन्याय करके फेंसिंग करके ब्यास जी को बाहर कर दिया था, और जो भी वहाँ पूजा चल रही इसको रोक दिया था जी। ये बात सारे डॉक्यूमेंट से साबित होती है। जो तहखाना में पुराना केस चला है, 1800 में कई केस चले हैं, वो सब मैंने दाखिल किया है, जिससे साबित होता है कि ब्यास जी तहखाना बराबर से हिंदुओं के कब्जे में रहा है। वहाँ पूजा पाठ, अखंड पाठ, सुंदरकांड पाठ और डेली पूजा सब होती रही है। तो ये अधिकार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार से कोई नई बात कर दी गई हो। और मैं सारे हिंदू धर्मावलंबियों से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक जाकर वहाँ पूजा पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा के दर्शन करें, और किसी प्रकार का कोई अपनी घटना न करें, संयम बना रखें। हरिशंकर जी, एक चीज और जो इसमें अभी निकलकर सामने आई है कि तहखाने में पूजा होगी और ऊपर नमाज अदा करने की जगह। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, नमाज पढ़ने की जाने की जगह ऊपर है, सीढ़ी से एकदम अलग है, और जो तहखाना है वो दक्षिणी दीवार की तरफ है, दक्षिणी तरफ है, और वहां का रास्ता रेलिंग से दिया जाएगा, जो रेलिंग से बंद कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।